और पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय चरवाहों और चीनी सैनिकों के बीच झड़प का एक वीडियो सामने आया और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ चाइना। चरवाहे उनसे बहस कर रहे हैं और उस जगह से लौटने से इनकार कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हैज चाइना लर्नड इट्स लेसन? हमको इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिल रहा है तो जल्दी इंडियन आर्मी बरामद मदद कीजिए। तो एक चाइना को एक सुपर पावर माना जाता तो वो इंडिया के हाथों इंडिया के फौजियों से मार खा गया। एक तो यहाँ पर बदनामी और बिस्ती होगी चाइना की। आपको पता है जब से कोविड हुआ है उसके बाद से चाइना अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। दूसरे नंबर पर ताइवान बहुत ज्यादा खुश है चाइना को मार पड़ने पर। एक बड़ी खबर ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिलाकर रख दिया। एक मार भारत की, पूरे बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट। वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है। तो इट्स मींस कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है। तुम अपने अपने जगह पे वापस जाओ, ये हमारी एरिया है करके। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो। इसी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। और नॉर्थ बैंक पेंगोंग में भी होते हैं और हम जब चरवाने के लिए जाते हैं तो हम तो हर जगह चला जाते हैं और हमारे जहां तक टेरिटरी बनते हैं वहां तक जाते हैं और वहां पे इनकी ओर से इस तरीके का जो तंग करना विच इज इलीगल, क्योंकि हम अपने परसेप्शन लाइन और अपने टेरिटरी से बाहर जाके हम जाते ही नहीं है। वो हमेशा हमारे एरिया को हम एरिया में आ जाना और तंग करना ये टोटली इलीगल है। परसेप्शन की लड़ाई बेशक होगा लेकिन ये चीजें जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं और कल का जो वीडियो जो वायरल हो रहा है इसमें क्लियरली आप देख रहे हैं। और हम अपने नोमेड्स को जो है अपने टेरिटरी को लेके बहुत ही सेंटी होते हैं। हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है, बाकी फोर्सेस हमारे पीछे होते हैं, तब जाके लोकल जो है लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कल आपने उस वीडियो में देख ही रहा होगा कि लोकल जो है पत्थर फेंक रहे हैं पीएलए के ऊपर, तो ये हिम्मत कहाँ से आते हैं? इसके पीछे हमारे आर्मी पीछे होते हैं, तब जाके हम कर पाते। समझाने की कोशिश करी, चाइना की इकोनॉमी चरमरा रही है। आपको क्यों लगता है मोदी जी जब अमेरिका गए थे उन्होंने बात क्या करी जो बाइडेन से? मोदी जी हर जगह बात करते हैं, क्या बात ये बात क्या करते हैं मोदी जी? आप ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते, ये कभी चाइना का नाम नहीं लेते मोदी जी। इनकी पॉलिसी है ये चुप रहते हैं चाइना पे, ये कुछ नहीं करते चाइना पे, लेकिन इन्होंने चाइना के तन बदन पे जितने गहरे घाव दिए हैं शायद ही भारत के किसी प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतने गहरे घाव दिए। इनको पता है कि चाइना चीखेगा कहां, चाइना फौज से कभी नहीं चीखेगा, चाइना के पेट पे लात मारो चाइना चीखेगा, क्योंकि चाइना की ताकत उसकी फौज नहीं है, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है। अमेरिका ने यही काम करा और भारत ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया। आपको पता है जब से कोविड हुआ है उसके बाद से चाइना अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक मार भारत की, पूरे बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट। दूसरी मार ताइवान की, ताइवान ने इलेक्शन करवा लिया उसकी नाक के नीचे और प्रेसिडेंट ऐसे बंदे को इलेक्ट कराया है जो कि चाइना से नफरत करता है और चाइना उससे नफरत करता है। तीसरी चीज, अमेरिकन कंपनीज लाओ वापस, धीरे धीरे कंपनियों को बोलो निकालो, टाइम लगेगा, हो सकता है 10 साल लग जाएं, लेकिन अमेरिकन कंपनीज चाइना से बाहर आएंगी ही आएंगी। चौथी चीज, जितना भी नॉलेज है वो अमेरिका ने धीरे धीरे पकड़ना शुरू कर दिया यूनिवर्सिटी में जो चाइनीज हैं। अब अमेरिका रोक रहा है कि चाइना से रिसर्चर आके हमारी यूनिवर्सिटीज में काम नहीं करेंगे, हमारी लैब्स में काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे यूरोप ने करना शुरू कर दिया दोस्तों। और पांचवी सबसे बड़ी, अमेरिका ने चला गेम और गेम चलने से क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी को दोस्तों जूते पड़ने शुरू हुए। भारत का स्टॉक मार्केट, टोटल स्टॉक मार्केट जो भारत का है दोस्तों वो है 4.3 खरब, 4.3 ट्रिलियन US डॉलर्स का, 4.3 ट्रिलियन। आप फिगर याद करिएगा, पिछले 1.5 साल में चाइना के स्टॉक मार्केट से $6 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। सोचिए जरा इसके बारे में। एक बड़ी खबर यह है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक ऐसा
स्पेस पैक्ट साइन हुआ है जिसने चाइना को हिलाकर रख दिया है। और चाइना इसीलिए इतना डेस्परेट है। मैंने आपको कल एक खबर ये दी थी जिस पर हमने प्रोग्राम किया कि चाइना का ये कहना है कि एक नए सिरे से फ्रांस के साथ हम दोबारा से अपने जो है वो शुरुआत करते हैं और साइन करते हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे मंसूबे करते हैं। बल्कि एक बड़ी वजह उसमें ये है कि फ्रांस और इंडिया के बीच एक स्पेस पैक्ट हुआ है और वो अनप्रेसिडेंटेड स्पेस पैक्ट है, ये बात कही जा रही है। और इस वजह से इसने चाइना को इतना खौफजदा कर दिया है। जरा ये देख लेते हैं कि ये जो हम स्पेस पैक्ट की बात करें ये क्या है। आपको पता है कि फ्रांस और इंडिया के बीच जो स्पेस पैक्ट हुआ है ये इसमें द टू कंट्रीज कुड सून लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ऐसा पैक्ट साइन कर लिया है। और इसमें यह है कि जो दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज हैं वो सैटेलाइट्स जो हैं विल पोजेस बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज। जो लॉन्च करने की बात की जा रही है उसमें सैटेलाइट्स उनकी कैपेबिलिटीज डिफेंसिव भी होंगी और ऑफेंसिव भी होंगी। और इसी के साथ इसमें इसको जो साइन किया गया है और अभी तक हमारी तक जो खबरें पहुंच रही हैं ये बड़ी एक ऑथेंटिक खबरें हर जगह से इस वक्त चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्टेडली ये जो प्रोटेक्ट द इंडियन स्पेस एसेट्स, बल्कि इसमें ये है ना ट्रैक भी करेंगी। आपको पता है दी मूव्स जो अगर उनके ऊपर कोई ऐसा हमला होने वाला है या कोई दूसरा कंट्री जो है इस तरह का कुछ कर रहा है तो उसको भी वो रिकॉर्ड कर सकेंगी और ट्रैक कर सकेंगी और अपनी तरफ से जो है वो तो है ही है। फिर इसमें यह है कि डील जो है रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि ये साइन हुई है डील, और इसमें फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है उन्होंने साइन की है डील साइन बाय फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर। और इसमें जो है एंड इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है ये किया गया। अब ये डिफेंस पैक्ट जो है जिसको के स्पेस पैक्ट, बल्कि यहां तक मैंने देखा कि इसको इंडिया फ्रांस सीक्रेट स्पेस पैक्ट कहा जा रहा है, वो इसलिए कि इसके ऊपर बात अभी तक कोई करता हुआ यानी कि कोई अथॉरिटीज की तरफ से ये कहे कि हाँ ये हुआ, वो इसलिए कि ये इतना बड़ा एक पैक्ट है और दोनों कंट्रीज के बीच ये इतनी गहरी टाइज हैं और जो चाइना है उसके लिए और ना सिर्फ चाइना बल्कि दोनों कंट्रीज के जो ओपोनेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि इन दो कंट्रीज ने ये वाला पैक्ट साइन किया है। फिर ये भी है कि इसमें और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक्ट में क्या क्या है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड एन एम्बिशियस अनप्रेसिडेंटेड डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट दैट कुड सी द टू कंट्रीज लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट्स विद बोथ ऑफेंसिव एंड ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। और इसमें ये भी कि इससे पहले भी क्योंकि इंडिया और जो फ्रांस है उसमें डिफेंस टाइज बहुत गहरी हैं, मेरा ख्याल है कि हाँ ये सही है कि जो फ्रांस है वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है डिफेंस सप्लायर के तौर पर इंडिया के लिए।